नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग चकाचक मस्त और बढ़िया होंगे। तो सभी भाई लोगों को एक बार फिर से नमस्कार। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आ सके और हम लोग जो है क्लास को एंजॉय कर सके। तो रोज की तरह आज के भी सेशन में हम लोग 20 सवाल पर डिस्कस करेंगे और 20 सवाल ये आज बहुत ही खतरनाक हैं। आज आपको देखना है कि आप कितने पानी में हैं, आप खुद को भी परखेंगे और इन सवालों से भी आपका आमना सामना होता रहता है। तो बिल्कुल आज 27 फरवरी की शाम में आप लोग एंजॉय करिए इन सारे सवालों को। बहुत मस्ती सवाल है, इन एक एक सवालों को एंजॉय करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो जल्दी से फ्रेंड्स लाइक और शेयर कर दीजिए। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चंस आपका ये रहा, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था। रूस, जिस समय रूस की क्रांति हुई उस समय जो शहर था जहां से क्रांति की शुरुआत हुई उसका नाम था पेट्रोगाग। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि जब क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति हुई 1917 में और 1917 में रूस रूस के नाम से नहीं जाना जाता था बल्कि रूस का दूसरा नाम था जिसको आप सोवियत यूनियन कहते थे। तो यह किस नाम से जाना जाता था? सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन के नाम से रूस जाना जाता था। और सोवियत यूनियन में जो शहर थे जहां से क्रांति शुरू हुई उसको आप कहते थे पेट्रोग्राड। क्या कहते थे? उस समय सोवियत यूनियन का शहर था पेट्रोग्राड, पेट्रोग्राड कहा जाता था जिस शहर को। और इस शहर को, इस शहर से क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस क्रांति को नेतृत्व दिया था मिस्टर लेनिन ने। किसने? लेनिन ने नेतृत्व दिया था। और इनका मानना था कि सभी उत्पादन पर, उत्पादनों के लाभ पर मजदूरों का भी हक है। तो ये पेट्रोग्राड, ग्राड जिसको आप कहते हैं, आज वही रूस में है और किस नाम से जाना जा रहा है? तो शहर का नाम बदला है। तो आज आपको आंसर करना है कि रूसी क्रांति जो पेट्रोग्राड से शुरू हुई वो किस नाम से जाना जाता है, या रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था। तो एक बड़ा सवाल है, खतरनाक सवाल है, काफी कुछ बता दिया है मैंने इसके बारे में कि 1917 में क्रांति शुरू हुई सोवियत यूनियन में, पेट्रोग्राड नाम से यह शहर जाना जाता था, लेनिन इसका नेतृत्व कर रहा था और इसी क्रांति के बाद रूस ने एक नई अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया जिसे आप कहते हैं कि वो अर्थव्यवस्था है समाजवादी। और यही वो क्रांति है जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो वो शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा शहर था? सेंट पीटर्सबर्ग में जो है ये क्रांति की शुरुआत हुई और यहीं से लगभग पूरे रूस में फैल गई। ओके, तो आज हम लोग विश्व इतिहास से लेके वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी डिस्कस करेंगे। अगला सवाल है कि चीन की मुक्ति के लिए या चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाकर दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि चीन की मुक्ति, चीन कहीं बंधक था? बिल्कुल बंधक था, अपनी व्यवस्था का बंधक था। चीन को जो है आप ये कह लिए कि रिपब्लिक बनाने के लिए वहां पर एक मूवमेंट हुआ है और उस मूवमेंट का जो नेता रहा है वो कौन था? आपको बताएं, 1 अक्टूबर 1949, कौन सा दिन है? 1 अक्टूबर 1949 को चीन की मुक्ति का दिवस माना जाता है। क्या माना जाता है? चीन की मुक्ति का दिवस मान सकते हैं आप। चीन की मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। और मुक्त कब हुआ? 1 अक्टूबर 1949 को। और वहां पर जो चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, जो चीजें स्टेबल की गई, उसको लीड कौन कर रहा था? क्वेश्चन यही है। तो उसका लीडर था माओ डिजोंग। क्या था? माओ जिडोंग उसका नेता रहा और 1 अक्टूबर 1949 को चीन को एक रिपब्लिक, एक गणतंत्र के रूप में स्टेबल करने में सफल रहा। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज के सवाल कुछ इसी टाइप के खतरनाक खतरनाक है। निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है। भाई महिलाओं के हित में तो सारे कानून है लेकिन एक कानून ऐसा है
जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही प्रोटेक्ट करता है और महिलाओं के लिए ही वो विशेष कर बनाया गया। तो जल्दी से आंसर करें, वो कानून कौन सा है? ठीक, चलिए। समान पारिश्रमिक अधिनियम, नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, या शरीर व्यापार निवारक अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, समान पारिश्रमिक अधिनियम, आप देखिए आपके नीति निरीक्षक तत्व में बताया गया है कि समान कार्यों के लिए समान वेतन, उसके तहत बनाया गया है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण का अधिनियम, बिल्कुल आपके संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इनको जो है बचाने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए, इसे लागू करने के लिए तमाम कानून बने हैं। अब है शरीर व्यापार निवारक अधिनियम, तो समान पारिश्रमिक पुरुष और महिला दोनों के लिए लागू होता है, नागरिक अधिकार पुरुष और महिला दोनों के लिए है, और शरीर व्यापार निवारक अधिनियम को आप कह सकते हैं कि यह 1956 में बना। कब बना? 1950। इसका राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर होगा शरीर व्यापार निवारक अधिनियम। यह अधिनियम बना 1956 में, 1956 में इस अधिनियम को जो बनाया गया उसे नाम दिया गया अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम। क्या नाम दिया गया? अनैतिक व्यापार। शरीर का व्यापार नैतिक व्यापार नहीं होता, अनैतिक व्यापार अधिनियम कहलाता, व्यापार कहलाएगा, अनैतिक व्यापार निवारक अधिनियम। और ये 1956 में बना, निवारक अधिनियम कहते हैं इसे आप, तो ये 1956 में बना, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी, इसे समय समय पर सुधारने की आवश्यकता महसूस की गई, और वो सुधार भी किया गया, और वो सुधार किया गया 1986 में, 1986 में इसे सुधारा गया। यहां पर क्या हुआ? संशोधन हुआ, इसमें संशोधन हुआ। तो शरीर व्यापार निवारक अधिनियम 1956 बना, और यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया, और बेसिकली इसमें संशोधन किया गया है 1986 में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, तो भाई शेयर वेयर करते जाना, आज मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस विषय में, बट ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे क्या करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा सूत्र बहुत बेहतरीन काम है, और बेसिकली यह त्रिभाषा सूत्र जुड़ा हुआ है शिक्षा में उपयोग होने वाली भाषा से। त्रिभाषा को आप कह सकते हैं कि त्रिभाषा मतलब तीन भाषा, तो शिक्षा के लिए भाषा क्या था? शिक्षा के लिए भाषा के चयन के, तो यह शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा में किस भाषा का प्रयोग किया जाए? भाई आपकी राजकीय भाषा क्या है, आपकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, आपकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, इन चीजों पर ध्यान देना था। अगर गुजरात के व्यक्ति को पढ़ना है तो वहां पर गुजराती, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, गुजराती उनकी लोकल लैंग्वेज है और इंग्लिश उनके लिए कॉमन लैंग्वेज है। क्लियर? तो यहां पर जो लैंग्वेज का इशू है, उसी लैंग्वेज के इशू के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसने सिफारिश की थी कि आपको तीन भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। वो तीन भाषा कौन कौन सी हैं? एक तो है हिंदी, हिंदी आपकी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी के बाद अंग्रेजी, जो अंग्रेजी कॉमन भाषा के रूप में है, ठीक, और तीसरी है क्षेत्रीय भाषा, जैसे केरल का है तो केरल में जो भाषा बोली जा रही है जो है उसका प्रयोग किया जाए, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का। तो ये त्रिभाषा सूत्र राज समिति है, राज मन्नार समिति है, दत्त समिति है, या कोठारी समिति है, इन तीनों में से एक होगा। आपको बता दें 1964 में आपका राइट आंसर होगा कोठारी समिति। कोठारी समिति का गठन किया गया 1964 में, 1964 में समिति का गठन हुआ, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट 2 साल में सौंपी, रिपोर्ट आई 1966 में, और इसी के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में अपनी शिक्षा नीति जारी की, और शिक्षा नीति में इस त्रिभाषा के फार्मूले को अपना लिया, जिसे आप कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। क्लियर? तो त्रिभाषा सूत्र बेसिकली तीन भाषाओं से जुड़ी हुई है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, और के लिए कोठारी समिति ने रिपोर्ट की थी, कि कोठारी समिति ने सिफारिश की थी। तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश का राइट आंसर क्या होगा? कोठारी समिति की सिफारिश पर। क्लियर? आगे चले अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। थोड़ा सा खतरनाक खतरनाक सवाल है भाई, आज थोड़ा सा संभल के उत्तर करना पड़ेगा। चलिए,
ऐसे सवाल आपके एसएससी में भी लगातार आए हुए हैं और आपके एनटीपीसी में भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि वो सर्विस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये सर्विस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और उम्मीद है कि दोनों का एग्जाम एक ही संस्था कराएगी तो पेपर भी लगभग एक जैसा ही बनेगा। तो एसएससी में जो जीएस आती है उसको भी आपको फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार नियुक्त करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति वहां के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, ठीक जैसा कि भारत में होता है, क्योंकि भारत ने न्यायपालिका का जो स्ट्रक्चर है वो अमेरिका से ही कॉपी किया है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय अमेरिका में भी है, उच्चतम न्यायालय भारत में भी है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में भी राष्ट्रपति करता है और अमेरिका में भी राष्ट्रपति ही करता है। तो आपको आंसर करना है कि कैसे करता है, तो भारत में तो जो व्यवस्था है कि उसके लिए कोलेजियम व्यवस्था अपनाई गई है, 5 जजों की एक समिति बनती है जिसमें सीजीआई मुख्य होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसकी कोलेजियम के द्वारा जिन नामों की सिफारिश की जाती है उन लोगों को इस समिति में रखा जाता है, और उन्हीं जो है लोगों द्वारा जिन नामों का रिकमेंडेशन किया जाता है उनमें से राष्ट्रपति किसी को चुनता है जज के रूप में। लेकिन अमेरिका में नियम है चार, चारों में से कौन सा सही होगा? सीनेट की सहमति से, अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक का प्रयोग करता है, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सहमति से, या इनमें से कोई नहीं। तो वहां की संसद को आप सीनेट नाम से जानते हैं, और अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी काम करता है उसके लिए सीनेट की सहमति आवश्यक होती है, वह स्वतंत्र अवश्य है, लेकिन सीनेट के द्वारा जब तक किसी कार्य को मंजूरी न मिले राष्ट्रपति कोई भी काम आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उसे सीनेट से सहमति लेनी आवश्यक होती है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सीनेट की सहमति से। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला सवाल आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसे, चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? तो अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो कॉमनली पूरी दुनिया में दो प्रकार की सरकारें देखने को मिलती हैं, कहीं कहीं परिषदीय सरकार भी है। दो सरकारें कौन कौन सी हैं? एक है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और दूसरी है संसदीय, जैसा कि भारत में है या ब्रिटेन में है। तो संसदीय सरकार के अपने गुण होते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार के अपने गुण होते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का गुण है? तो अब पहला विकल्प है, यह लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। सरकार कोई भी हो, चाहे अध्यक्षीय हो, चाहे संसदीय हो, चाहे परिषदीय हो, यह अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। यह प्योर है, तीनों में है। यह नीतियों को शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, बिल्कुल करती है। अध्यक्षात्मक सरकार की यह अगली विशेषता है कि मंत्रिमंडलीय सरकार या संसदीय सरकार में देखा जाता है कि पॉलिसी बनाने के बाद पार्लियामेंट से इजाजत लेने की जरूरत होती है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति सुपर पावर के रूप में होता है, बल्कि यहां पर कौन सुपर पावर है? आपकी संसद सुपर है। संसद के साथ मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति से वास्तविक रूप में देखें तो बेहतर है, व्यवहारिक रूप में बेहतर है, और जबकि कार्यपालक के तौर पर राष्ट्रपति मुखिया है, वो अलग मुद्रा है। कार्यपालक की नियति कार्य अवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। कार्यपालक मतलब यहां कार्यपालक कौन है? यहां पर कार्यपालक है राष्ट्रपति। हमारे यहां जो प्रधानमंत्री है, हमारे यहां संसदीय सरकार है, और संसद के द्वारा ही जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो यह अध्यक्षीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है सरकार का मुखिया होता है। अध्यक्षात्मक सरकार व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या है? यह राष्ट्रपति दो प्रकार का मुखिया होता है। नंबर एक, यह सरकार का भी मुखिया है और देश का भी मुखिया है। क्या है? देश का मुखिया है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ देश का मुखिया है, सरकार का मुखिया पीएम होता है। तो हमारे यहां या किसी भी संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार का मुखिया होता है वह लोकसभा में बहुमत तक ही होता है। अगर लोकसभा में बहुमत चला गया तो उसको पद छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं है।
एक बार अगर राष्ट्रपति बन गए तो बिना महाभियोग के उसे हटाया नहीं जा सकता या फिर कार्यकाल पूरा करे। कार्यकाल पूरा होने से पहले सिर्फ एक ही शर्त है, सिर्फ और सिर्फ महाभियोग। इसीलिए माना जाता है कि उसकी कार्यावधि जो 4 वर्ष है वो क्या होती है, स्थिर होती है, अस्थिर नहीं होती। कि बहुमत से सरकार बनाई, एक पार्टी खिसक गई, सरकार गिर गई, ऐसा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं होता। तो ये तीनों विशेषताएं उनमें देखने को मिल रही हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो अध्यात्मक सरकार में लोगों की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है, कार्य और नीतियों का शीघ्र जो है निष्पादन भी होता है, जल्दी काम होता है, जल्दी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है एक्टिव होती है, और जो मुखिया है, कार्यपालक है, जो देश का सीईओ है, राष्ट्रपति है, वो क्या करता है, उसकी जो है कार्यावधि स्थिर होती है, वो 4 साल के लिए फिक्स हो जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं, वो कौन सा सिस्टम है जिसमें कुछ लोग मतलब थोड़े से लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। 4 विकल्प है, धनिक तंत्र, अल्पतंत्र, एक तंत्र और राजतंत्र। राजतंत्र में तो सिर्फ राजा ही शासन करेगा, एक तंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति या एक संस्था शासन करेगी। तो यहां पर कुछ लोगों की बात हो रही है कि कुछ लोग, ये कुछ लोग वो होते हैं, कुछ लोग जो अभिजात्य वर्ग के होते हैं, आप इन्हें कह सकते हैं कि ये कुलीन लोग हैं। क्या है, कुलीन लोग हैं। और इस व्यवस्था को आप चीन जैसे देशों में देख सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चीन में दिखाई देता है। इसे कुलीन तंत्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। और उसी का एक नाम है अल्पतंत्र, क्या कहेंगे, अल्पतंत्र। तो जी हां, कुछ लोग जब अधिक लोगों पर शासन करते हैं, शासन करने वाले निकाय का उन अधिक लोगों से अलग जो है व्यवस्था होती है, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं आप, अल्पतंत्र कहते हैं या कुलीन तंत्र कहते हैं, ना कि अधिक धनिक तंत्र, एक तंत्र या राजतंत्र। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, वही संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में हुई, 1945। यूएनओ की स्थापना की आवश्यकता क्या थी, यह भी जान लीजिए। यूएनओ बेसिकली विश्व शांति के लिए जो है प्रमुख संस्था के रूप में उभरा। पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, और इसके बाद भी प्रयास किया गया, राष्ट्र संघ बना 1920 में एक्टिव हुआ, लेकिन अमेरिका इसमें भाग नहीं ले पाया क्योंकि अमेरिका के सीनेट से मंजूरी नहीं मिली, और इसी का परिणाम रहा कि दूसरा विश्व युद्ध भी सहजता से लड़ा गया। दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पूरी दुनिया ने महसूस किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व युद्ध जैसी घटनाओं को रोकने में सक्षम हो। तो प्रयास किया गया और उस प्रयास का परिणाम निकला 27 दिसंबर 1945 को, और बेसिकली एक संगठन के रूप में यूएनओ अस्तित्व में आया। और यूएनओ के सदस्य देश जो वर्तमान समय में इनकी संख्या लगभग 193 हो गई है, तो विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी। यूएनओ की कई बॉडियां हैं, तो कुल अगर देखें आप तो 6 बॉडियां हैं, उनमें से सामान्य सभा जिसे आप जनरल असेंबली कहते हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद है, सुरक्षा परिषद है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इनमें से एक संस्था है सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक सदस्य होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। दूसरे कौन से हैं, अस्थायी। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। इनका चुनाव होता रहता है इनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, लेकिन ये 5 फिक्स है, और इनके पास एक अलग प्रकार का अधिकार है जिसे आप वीटो कहते हैं। तो ये सुरक्षा परिषद पूरे विश्व की, समझ रही है, एक प्रकार से विश्व की शांति के लिए सबसे प्रमुख जो है तंत्र बना हुआ है, सबसे प्रमुख संस्था के रूप में बना हुआ है। तो वह यूएनओ का एक भाग है। इन 6 संस्थाओं में एक संस्था जो सबसे मजबूत है वह है यूएनओ की सुरक्षा परिषद। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। मैंने अभी अभी बताया आपको कि यूएनओ में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक,
आपके सुरक्षा परिषद में, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में दो प्रकार के सदस्य हैं, एक है अस्थाई और दूसरा है अस्थाई। क्लियर? स्थाई और परमानेंट और अल्टरनेट। तो अस्थाई सदस्यों की संख्या मैंने बताया 10 साल, और अभी अभी बताया कि कार्यकाल समाप्त होने पर ये चुने जाते रहते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर, एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, पूर्वी यूरोप से, पश्चिमी यूरोप से, लैटिन अमेरिका से। तो इनका कार्यकाल, जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष, और अगर अस्थायी सदस्य हैं तो कार्यकाल तो जब तक संस्था है तब तक कार्यकाल बना रहेगा। क्लियर? आइए अगले सवाल पर। यह रहा आपका 10वां सवाल। तो आप लोग अपने सेशन के लगभग आधे हिस्से पर पहुंचे हैं, तो जल्दी से शेयर वेयर कर दीजिए, क्योंकि अब 10 सवाल आपको और मिल रहे हैं, और वो 10 सवाल भी काफी डेंजर हैं, काफी खतरनाक हैं, काफी काम आने वाले हैं आपके, तो जल्दी से शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है कि यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, जर्मनी, मैंने बताया कि 5 अस्थायी सदस्य हैं, इन 5 देश जो अस्थायी हैं इनका नाम क्या क्या है? यूएन सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर की बात हो रही है। तो चीन, जर्मनी, रूस, यूके, यूएसए, तो इसमें जर्मनी गलत है। चलिए, चीन, जर्मनी, यूएसए, रूके और कनाडा, तो यहां 2 गलत दिखाई दे रहे हैं, जर्मनी और कनाडा तीसरा विकल्प है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए बिल्कुल सही 5 देश हैं ये, और चीन, कनाडा, फ्रांस, यहां पर फिर वही मामला आया, कनाडा और जर्मनी। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सी, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है, और यूएसए आप जान ही रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, और इन अस्थायी सदस्यों के पास एक विशेष प्रकार का अधिकार है। वो अधिकार ये है कि मान लीजिए इन 15 सदस्यों में, 15 में 10 एक तरफ, 5 एक तरफ, मतलब 5 अस्थायी 10 अस्थायी, इनकी जो कार्यप्रणाली है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी निर्णय लिया जाना है तो इन 5 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सपोज दैट 14 एक तरफ हो और इन 5ों में से एक अकेला हो जो उस प्रपोजल का विरोध कर रहा हो, तो वो प्रपोजल पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है। लेकिन अगर कोई अस्थायी सदस्य विरोध करे तो संभावना है कि वह पारित हो जाए, लेकिन इन 5ों का किसी भी प्रपोजल पर समर्थन होना जरूरी है। अगर इनमें से एक सदस्य भी अपने वीटो का प्रयोग कर देता है, प्रस्ताव का विरोध कर देता है, तो वह प्रस्ताव लंबित हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और रुक जाता है। भारत के अगेंस्ट आप अक्सर देखिए चाइना इस पावर का उपयोग करता है, इस पर जो है वीटो का इस्तेमाल करता है, बार बार भारत के सामने अवरोध उत्पन्न करता है। तो यह वीटो अधिकार रखते हैं, इसीलिए इनकी विशेष स्थिति है और इन्हें परमानेंट मेंबर कहा जाता है। भारत भी यूएनओ की स्थायी सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहा है, बार बार संघर्ष कर रहा है। तो भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान इतने देश हैं जो कि अस्थायी सदस्यता के दावेदार हैं। अब देखिए कब मिलती है, कैसे मिलती है, वो बात की बात है, क्योंकि चीन बार बार रोड़ा बनता है, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अब तो यूएसए ने भी भारत की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की वकालत कर दी है। सिर्फ चीन अकलौता देश है जो हमारे सामने एक अवरोध बना हुआ है। क्लियर? क्योंकि चीन कहता है कि भाई भारत को बुला रहे हो, पाकिस्तान को ही बुला लो, वो पाकिस्तान को ज्यादा ही सगा है। खैर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समय आता है, बदलता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, किसका समय कब बदलेगा कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल अगले सवाल पे हम हैं कि कितने देश यूएन जनरल असेंबली के सदस्य हैं। जी हां, वर्तमान समय की बात करें तो सन 2011 के बाद, 2011 में इसमें नवीनतम सदस्य जुड़ा और सदस्य संख्या हो गई कितनी, 193। ये 193 देशों का संगठन है एक तरीके से आप माने तो, दुनिया के लगभग सबसे बड़े संगठनों में एक है ये। और इसमें जो 2011 में आपका 193वां सदस्य जुड़ा उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान इसका सदस्य बना कब, सन 2011 में, और उसका क्रम है 193। तो वर्तमान समय में यूएन की जनरल असेंबली में 193 सदस्य हैं। क्लियर? इसे महासभा भी आप कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है।
तो मैंने छह अंग आपको बताए हैं कि यूएनओ के छह अंग हैं, ठीक। छह अंग हैं कौन कौन से? नंबर एक, आपने अभी देखा कि सामान्य सभा मतलब जनरल असेंबली, उसे आप क्या कहते हैं? महासभा। महासभा ये एक प्रकार से कही जाती है कि यह विश्व की संसद है। क्या है? विश्व की संसद है, क्योंकि दुनिया के लगभग 193 देशों के मेंबर इसमें होते हैं। और दूसरा जो आपने सबसे महत्वपूर्ण सदन देखा, दूसरी महत्वपूर्ण संस्था देखी, वो है सुरक्षा परिषद। कौन सी? सुरक्षा परिषद, ठीक, जिसमें आपके 15 सदस्य हुए। तीसरा जो सदन, तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे के सारे मुख्यालय मैक्सिमम अमेरिका में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केंद्र जो है द हेग में है। कहां पे है? द हेग में है। और द हेग कहां पर है? नीदरलैंड। कहां पर है? नीदरलैंड में। क्लियर? तो नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का केंद्र। अब तीन तो ये हो गए, महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब तीन यहां भी ढूंढने हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहां आपको मिल ही गया है। न्यासी परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, तो एक दो यहां पे हो गए, तो एक दो तीन चार और पांच मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यहां से हटा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरह वो छठा अंग लिख देते हैं, क्योंकि एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसका छठा अंग अगर आप देखें तो तीन यहां हो गए, ये चार, ये पांच और ये छठा होगा सचिवालय। कौन सा अंग है? सचिवालय। इस संस्था को सचिवी सहायता देने के लिए एक सचिवालय बनाया गया है, और उस सचिवालय में लगभग 3,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। कितने? 3,500 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। ओके, आते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, तो ये आपका जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसे आप देख रहे हैं कि ये कहां पर है, ये द हेग में है। द हेग इन द सेंस आप कहां पर? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड, जी हां, यहां पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इन सदस्य देशों के द्वारा ही न्यायाधीशों का चयन किया जाता है। इसकी महासभा इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करती है, और उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों की संख्या है 15। इनका जो कार्यकाल होता है इस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जजों का, वह कार्यकाल है क्या? कार्यकाल है 9 वर्ष। कार्यकाल इनका होता है 9 वर्ष, और भारत के दलवीर भंडारी इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्यरत हैं। यहां एक बात नोटिस करनी है कि जैसे 15 सदस्य हैं तो एक देश से एक ही सदस्य आता है, दूसरा सदस्य नहीं आ सकता, एक देश से एक ही जज जाएगा। और सदस्यों की संख्या है आपने देखा 193। अगर कोई ऐसा देश है जिसके विषय में कोई मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है, जैसे अक्सर भारत और पाकिस्तान का मामला वहां लंबित रहता है, लंबित है भी अभी, तो अगर भारत का जज विद्यमान है, भारत का पक्षकार है, भारत की तरफ से एक जज अपॉइंट है, या भारत के दलवीर भंडारी साहब हैं वहां, और पाकिस्तान का कोई जज नहीं है, मतलब ऐसे किसी देश का मामला भी वहां पर है जिसका कोई जज नहीं है, तो उस देश के रिकमेंडेशन से उस देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एक्स्ट्रा जज उसमें सम्मिलित किया जाता है, जबकि परमानेंट संख्या कितनी है? परमानेंट संख्या है 15। क्लियर? चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील सिद्धांत काफी पॉपुलर सिद्धांत रहा है, और यह पंचशील सिद्धांत इसलिए कहा जाता है कि इसमें पांच चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस सिद्धांत को किस व्यक्ति ने डेवलप किया, इसका प्रपोजल किसने दिया, और यह पंचशील सिद्धांत बेसिकली किन दो देशों के बीच लागू रहा, तो यह जान लीजिए, यह भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच लागू रहा। भारत और चीन ने एक पंचशील समझौता किया था, उसमें पांच चीजें थी, ठीक। बेसिकली यह मान के चलिए कि यह शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का बात का मामला है, तो पांच चीजें, किस चीज के नाम पे इसको पंचशील कहा जाता है? आपने पंचशील पंचशील बहुत सुना होगा। तो सबसे पहली बात इसमें थी कि एक अखंडता और संप्रभुता, पहली बात इसमें थी पंचशील सिद्धांत में, कि दो देश अगर इस समझौते को कर रहे हैं
तो दोनों एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं करेंगे। मतलब ये नहीं करेंगे कि ये वाला क्षेत्र हमारा है, ये वाला क्षेत्र, मतलब किसी प्रकार का कोई क्षेत्र को लेकर के और हमला को लेकर के, मतलब अपने उस पर अपनी कब्जा करने की दृष्टि से लेकर के कोई भी प्रकार का विवाद नहीं करेंगे। क्लियर? ये पहला तत्व था पंचशील समझौते का, क्या था? संप्रभुता और अखंडता। दूसरी विषय वस्तु क्या थी? अखंडता। ये पहला तत्व हो गया। इसका जो दूसरा तत्व है वो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि यहां पर आंतरिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब आप अपने देश की नीतियां स्वतंत्र बनाएंगे और हम अपने देश की नीतियां स्वतंत्र बनाएंगे, कोई भी एक देश दूसरे देश में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसमें? इंटरनल पॉलिसी में। कभी कभी होता क्या कि हमारी आंतरिक नीतियों से दूसरे देश की नीतियां प्रभावित होती हैं, तो कोई भी एक देश दूसरे देश की इंटरनल पॉलिसी में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप नहीं, क्या था? आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं। यह दूसरी बात है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व था, अनाक्रमण का मतलब है कि कोई भी देश, एक जो जिन दो देशों के बीच यह समझौता हो रहा है, वो एक दूसरे पर किसी भी कीमत पर आक्रमण नहीं करेंगे। जो भी मुद्दा आएगा, जो भी मामला आएगा, वो बैठ करके सुलझा लेंगे। क्लियर? ये तीन हो गई। और चौथा जो तत्व था इसका, समानता और लाभ। समानता मतलब देश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों समान हैं और दोनों एक दूसरे के लाभ के लिए कार्य करेंगे। मतलब ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी खुरपेच नहीं करेंगे, ऐसी प्रतियोगिता नहीं करेंगे कि एक दूसरे को नुकसान हो। ऐसा काम करेंगे कि दोनों एक दूसरे से लाभान्वित हों। और तीसरा, पांचवा इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, पांचवा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। क्या था? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसीलिए इसे माना जाता है पंचशील शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। दोनों शांति से जिएंगे, कोई भी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो जो वास्तविक मुद्दा है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का। और अगर इसे पाना है तो इन चारों फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा, वो है संप्रभुता और अखंडता, आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं, समानता और लाभ के लिए काम। यह पॉलिसी डेवलप करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कॉन्सेप्ट था। तो पंचशील सिद्धांतों का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रपोजल चाइना के सामने हुआ, चाइना ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद भी 1962 पे हमला किया और इसी से पंडित जवाहरलाल नेहरू को काफी आघात पहुंचा और इस युद्ध में भारत की पराजय भी हुई थी। भारत काफी मुश्किल में पड़ गया था। कारण उसका था कि नया नया भारत आजाद हुआ था और भारत के पास अभी इतनी संपन्नता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वह चाइना का मुकाबला कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम चाइना से बेखबर बैठे थे। हमें यह पूरा भरोसा था कि हम उसे अपना धार्मिक शिष्य मानते थे, क्योंकि चाइना में बौद्ध धर्म को अपनाया गया है और बौद्ध धर्म का जो है विकास भारत में हुआ है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी भारत में हुई है। तो बेसिकली जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल इशू है, वो था कि हम भारत के लोग चाइना के लिए क्या थे? धर्म गुरु थे। और धर्म गुरु होने के नाते हमें पूरा विश्वास था कि चाइना हम पर हमला नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? नेहरू जी के दिमाग में। और हम थोड़े से निश्चिंत बैठे थे और हमारी उसी निश्चिंतता का लाभ उठाया चीन ने और हम पर 62 में हमला किया और हमारी असावधानी ये थी कि हम हारे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी आपने देखा कि यूएसए की राष्ट्रीय निकाय को क्या कहते हैं? आप सीनेट कहते हैं। क्लियर? इसी तरह भारत की संसदीय निकाय को क्या कहते हैं? भारत के क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय निकाय को आप कहते हैं संसद, पार्लियामेंट। ठीक, उसी तरह चाइना का जो संसदीय निकाय है, मतलब चाइना का पार्लियामेंट किस नाम से जाना जाता है?
राज्य परिषद, स्टेट काउंसिल, पीपुल्स असेंबली, पीपुल्स असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, या कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो जल्दी से मुझे आंसर करें कि चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को किस नाम से जाना जाता है। तो चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो चीन की संसद को क्या कहते हैं? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ओके, चलिए अगले सवाल पर। यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सरकार किसकी एजेंसी है? बहुत बढ़िया सवाल है। सरकार संप्रभुता की एजेंसी है। भाई संप्रभु हैं तब सरकार बना सकते हैं, या सरकार समाज से बनती है, समाज की संस्था के रूप में कार्य करती है, या सरकार राज्य की होती है, राज्य के लिए कार्य करती है, या सरकार किसी राजनीतिक दल से बनती है तो दल की एजेंसी है। तो सरकार किसकी एजेंसी है? हुज एजेंसी इज द गवर्नमेंट। बहुत बेहतरीन सवाल है, अगर दिमाग लगाएंगे तो उत्तर निकाल ले जाएंगे। तो सरकार भाई कोई देश संप्रभु है, सरकार बनेगी। क्या संप्रभुता नहीं है तब सरकार बन सकती है? देखिए, संप्रभुता के बिना भी सरकार बनती है, ठीक। सरकार संप्रभुता की एजेंसी नहीं मानी जाती, समाज से बनती है अगर लोकतंत्र है, लेकिन अगर कुलीन तंत्र है तो समाज से नहीं बनेगी, ठीक। राजतंत्र है तो राजा ही होगा, लेकिन सरकार राज्य के लिए ही बनती है, सरकार राज्य की ही होती है, तो हर हाल में उसे राज्य की एजेंसी माना जाएगा, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी, समाज या संप्रभुता की एजेंसी। क्लियर? तो राज्य की एजेंसी है गवर्नमेंट। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राज्य के अधीन क्या है? कोई राज्य राज्य कब कहलाएगा परफेक्शन से? तो आप देखते हैं, राज्य के जो अनिवार्य तत्व हैं उसमें संप्रभुता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य के चार तत्व होते हैं, अभी उस पर डिस्कस हम लोग करेंगे, लेकिन राज्य के अधीन क्या है? राज्य के इन सारे चारों तत्वों में एक है संप्रभुता। तो केवल बाह्य संप्रभुता, मतलब बाहर से बाहर का कोई व्यक्ति आप पर नियंत्रण न रखे, आप प्रत्येक फैसले अपने स्वयं कर पाए, इसी को आप कहेंगे कि वह संप्रभुता। केवल आंतरिक संप्रभुता, बाहर से गुलाम रहे अंदर से आजाद रहे, इसको कहेंगे आंतरिक एवं वाह्य दोनों संप्रभुता, ठीक। तो या न वाह्य और न आंतरिक संप्रभुता। तो आपको पता है कि संप्रभु कोई राष्ट्र तभी माना जा सकता है जब वह आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से संप्रभु हो। क्लियर? इंटरनल तरीके से भी और एक्सटर्नल तरीके से भी। तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से वह निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, उस पर कोई दबाव ना हो, कोई शक्ति उसके ऊपर ना हो, तो ऐसे ही राज्य को राज्य कहेंगे, अन्यथा फिर वो किसी ना किसी राज्य का अंग होगा, स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं माना जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो मैंने बताया कि किसी भी राज्य के अनिवार्य चार अंग होने चाहिए। चार अंग कौन कौन से हैं? पहला है कि अगर राज्य बनाना है तो आपके पास निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग मतलब क्षेत्र होना चाहिए, एरिया। तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं होना, ये सही होगा, एरिया होना चाहिए, निश्चित भूभाग मतलब एरिया। दूसरी, जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या, जनसंख्या होनी चाहिए मतलब लोग होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, तो आबादी, ये भी निकल गया। अब आया कि संप्रभुता होनी चाहिए, तीसरा तत्व है संप्रभुता, संप्रभुता, और चौथा जो तत्व है वो है सरकार, ठीक। यही दो प्रश्न विकल्प आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि क्षेत्र और आबादी तो ये क्लियर है, संप्रभुता को आप प्रभुसत्ता भी कहेंगे, क्लियर, और सरकार को आप प्रशासन नहीं कह सकते, ठीक। प्रशासन सरकार चलाती जरूर है, लेकिन सरकार स्वयं में प्रशासन नहीं है, इसलिए राइट आंसर है, अगर इसकी जगह सरकार होता तो राइट आंसर होगा। तो निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये राज्य के चार प्रमुख अंग हैं, इनमें प्रशासन राज्य का अंग नहीं माना जाता। क्लियर? चलते हैं आपके अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? जी हां, हाउ कैन फ्रीडम
बी लिमिटेड। आपके अधिकार हैं, आपके संविधान में आपको स्वतंत्रता के अधिकार मिले हैं, ठीक। हर देश के संविधान में लगभग स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जो लोकतंत्र हैं। स्वतंत्रता के आपके 7 अधिकार मिले थे, कितने? 7, जिसमें एक 19F को यहां से हटा करके 300A में शामिल कर दिया गया। अब ये कितने हो गए? एक निकल गया तो बचे कितने? 6। ये 300A में चला गया तो कौन सा अधिकार हो गया? ये विधिक अधिकार हो गया, ठीक। तो अब आप इस टर्म से समझ जाइए कि स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। ये 7 स्वतंत्रताएं थी, इनमें से -1 हुई, किसके द्वारा हुई? इसे कानूनी बनाया गया तब हुई, तो शासन द्वारा किया गया, विधि द्वारा किया गया, प्राधिकार द्वारा किया गया या समानता द्वारा किया गया। तो आपका यह अधिकार स्वतंत्रता का जो था, मतलब कहने का आपके मौलिक अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकारों को कानूनी प्रक्रिया द्वारा सीमित किया जा सकता है, इन द सेंस विधि द्वारा या बाई लॉ। क्लियर? ना शासन द्वारा या प्राधिकार द्वारा, ना समानता द्वारा, किसके द्वारा? कानून के द्वारा, बाई लॉ से कम किया जा सकता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं, जो आपका फाइनल और लास्ट आंसर होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, बेहतरीन सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म टीवी अभिनेता था? चलिए, यहां क्लियर कर दिया है, नहीं फिल्म और टीवी दोनों दिया हुआ है। हाँ, अभिनेताओं का क्या है, ये टीवी में भी काम कर लेते हैं और फिल्म में भी काम कर लेते हैं, दोनों जगह काम कर लेते हैं। तो वो जॉन एफ कैनेडी साहब हैं, जेराल्ड आर फंड साहब हैं, रिचर्ड निक्सन साहब हैं या रोनाल्ड रीगन साहब हैं? आपको बता दें कि अमेरिका का 40वां राष्ट्रपति, कौन सा? 40वां राष्ट्रपति एक टीवी अभिनेता हुआ करता था, ठीक। 40वां राष्ट्रपति जो अमेरिका का है, उसका कार्यकाल 1981 से 1989 तक है। कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल इनका है 1981 से 1989 तक। चलिए, मैंने काफी कुछ डिटेल दे दिया, नाम आप बता दें। उनका नाम है रोनाल्ड रीगन साहब। कौन है? रोनाल्ड रीगन साहब हैं। तो अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति मिस्टर रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनने के पहले एक टीवी अभिनेता थे, उन्होंने कुछ फिल्मों में भी छोटे बड़े अभिनय किए हैं। तो अमेरिका एक ऐसा लोकतंत्र रहा है जिसमें सभी लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का मौका मिला है। एक अच्छे लोकतंत्र का यही उदाहरण होता है कि एक फर्श पे बैठने वाला व्यक्ति भी अर्श पे उठे। तो हर क्षेत्र वहां ऐसा रहा है, जिसको राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला है, उसमें एक व्यक्ति है रोनाल्ड रीगन साहब, जो कि एक कला के क्षेत्र से आते हैं और उन्होंने अमेरिका को लीड किया है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे कल शाम को फिर रात में 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।